स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? सब ठीक ठाक? एसी चैप्टर चल रहा है, ट्रांसफॉर्मर पढ़ाया था, ट्रांसफॉर्मर के क्वेश्चंस करा दिए थे। आज के इस क्लास में मैं आपको जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो टॉपिक है एसी जनरेटर। ट्रांसफॉर्मर क्या करता था? लो वोल्टेज को हाई और हाई वोल्टेज को लो, वो अलग चीज था, दैट वॉज ट्रांसफॉर्मर। लेकिन जनरेटर क्या करता है? ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट करता है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट बनाता है। क्योंकि डीसी जो है वो डायरेक्ट करंट जो आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था वो तो सेल से निकलता है, सेल में रिएक्शंस होते हैं, वहां से करंट बनता है, वो डीसी था। लेकिन एसी क्या है, कहां से आता है एसी? एसी जनरेटर एक मशीन होती है, वो बनाता है। तो एसी जनरेटर का मतलब हुआ जनरेट द एसी, ये एक ऐसी मशीन है जो एसी को जनरेट करती है, एसी ऑल्टरनेटिंग करंट बनाती है। ये एसी जनरेट करती है बेटा, ऑल्टरनेटिंग करंट को क्रिएट करती है, बनाती है। अब कोई भी जब हम डिवाइस पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से पता है, जब डिवाइस पढ़ते हैं तो डिवाइस पढ़ने के लिए सबसे पहले हम उसके प्रिंसिपल पे जाते हैं। तो पहली बात तो यह हो गया कि यह करता क्या है। तो आप बोलोगे सर यह क्या करता है, पहला पॉइंट हो गया इट जनरेट द एसी, ये एसी को जनरेट करता है। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, हर मशीन किसी ना किसी प्रिंसिपल पे काम करती है। तो इसका प्रिंसिपल वही है जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें क्या होता है, ईएमआई में याद है, ईएमआई में क्या पढ़ाया था हमने, एक फ्लक्स होता था जिसका फॉर्मूला होता था बी ए कॉस थीटा, मैग्नेटिक फील्ड और जो भी क्वाइल वगैरह जो भी है उसका एरिया और एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेन, जो भी चीज रोटेट कर रही है, जो भी चीज है वहां पर उस प्लेन के नॉर्मल का फील्ड के साथ, आप चैप्टर 6 में देखना चाहते हैं। और ईएमआई में यही होता है कि जब ये फ्लक्स चेंज होता था, जब किसी भी रीजन से फ्लक्स चेंज होता था तो अपने आप एक इंड्यूस करंट बनता था, एक इंड्यूस वोल्टेज बनता था, इंड्यूस ईएमएफ आता था और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता था, यही है ईएमआई। इसी प्रिंसिपल पे ये काम करता है। कैसे करता है वो अभी बताऊंगा दो मिनट को आप। सबसे पहले एसी जनरेटर करता क्या है, तो बोलोगे सर ये एसी जनरेट करता है। फिर ये बोलोगे ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है सर, ये भी बता दो, तो बोलोगे सर ये बहुत सिंपल है, ये जिस प्रिंसिपल पे काम करता है उसका नाम है सर ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर आप पूछोगे सर ये ईएमआई क्या है, ये चैप्टर 6 में पढ़ाया था, आप पिछली प्लेलिस्ट पढ़ी हुई है यूट्यूब चैनल पे मेरे, आप जाके देखना। ईएमआई में क्या होता है कि फ्लक्स एक चीज होती है जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होती है। फ्लक्स क्या होता है, ये फ्लक्स बताता क्या है, ये फ्लक्स क्या बताता है पता है ना, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये अगर चेंज होगा, ये इसका फॉर्मूला क्या है, बी ए कॉस थीटा, तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है, फील्ड पे, एरिया पे और एंगल पे। अगर तीनों में से कुछ भी बदला तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो अपने आप एक वोल्टेज, अपने आप एक करंट आएगा, उसको कहते हैं इंड्यूस्ड इंडक्शन से करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसी प्रिंसिपल पे ये काम करता है एसी जनरेटर। तो पहला है क्या काम करता है, दूसरा है किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये काम कंप्लीट हो गया, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। दो पार्ट तो कंप्लीट हो गए बेटा, है ना, दो पार्ट तो कंप्लीट कर दिया मैंने। अब मैं आपको जो बता रहा हूं ध्यान से, अब इसके पार्ट्स में आते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें कितने पार्ट होते हैं, नाउ आई एम डिस्कसिंग द कंस्ट्रक्शन। तो इसके मेन चार पार्ट होते हैं बेटा। सबसे पहला पार्ट है जिसे हम आर्मेचर कहते हैं, आर्मेचर। ये आर्मेचर होता क्या है, बेसिकली इस सिस्टम के पास, इस जनरेटर के पास आप देख रहे हो साफ एक ना क्या होता है, पीक आर एस, ये देखो ये, इसको कहते हैं आर्मेचर। होता क्या है आर्मेचर में, इसके पास एक फ्रेम होता है, फ्रेम आपको दिख रहा है, फ्रेम पी क्यू आर एस, ये फ्रेम हो गया। अब फ्रेम के ऊपर वायरें लपेट दी जाती हैं कॉपर की,
ठीक है, तो वो बन जाता है आर्मेचर क्वाइल। आर्मेचर क्वाइल कहते हैं, यानी फ्रेम कंसिस्ट ऑफ सो मेनी टर्न्स, किसके टर्न्स, कॉपर वायर के। तो आर्मेचर क्या है, एक फ्रेम है हैविंग सम टर्न्स, किसके टर्न्स बेटा, हैविंग सम टर्न्स किसके टर्म्स बताओ, ऑफ कॉपर वायर। कॉपर वायर के कुछ क्या होते हैं, टर्न्स होते हैं, कॉपर वायर के कुछ टर्न्स होते हैं, यस, उसी को कहते हैं आर्मेचर कॉइल। हो गया एक पर। सेकेंड पार्ट इसका जो होता है, ध्यान से पढ़ना, सेकेंड पार्ट को कहते हैं फील्ड मैग्नेट, फील्ड मैग्नेट। अब आपको साफ दिख रहा है यहां पर दो फील्ड मैग्नेट्स हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, ये होते हैं फील्ड मैग्नेट्स। क्यों आए हैं, ऐसा क्यों फील्ड मैग्नेट दिया गया है, यहां पर कॉइल के आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के, और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी, जिसकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ पोल से किधर जाएंगी, साउथ पोल। याद, तो मैग्नेटिक ये क्या है, फील्ड मैग्नेट्स नॉर्थ एंड साउथ। विच ये क्यों लाया गया है, आखिर ऐसा क्यों लाया गया है, क्योंकि ये क्या करती है, प्रोड्यूस करती है वहां पर, क्या प्रोड्यूस करती है वहां पर बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। तो पहला पार्ट हो गया आर्मेचर कॉइल, दूसरा पार्ट हो गया फील्ड मैग्नेट्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये क्या करती है वहां पर, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जानते हो आप, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है। कंप्लीट, दो पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं थर्ड पोर्शन में, थर्ड पोर्शन में क्या बताया गया, स्लिप रिंग्स होते हैं, स्लिप रिंग्स आपको दिख रहा होगा इस डायग्राम में, दो स्लिप रिंग्स होते हैं, एक एक करके देखो, R1 एंड R2, ये रिंग्स में वायर के क्वाइल के दोनों एंड जुड़े होते हैं, ये क्या होता है, क्या लिखोगे, बोथ एंड्स, किसके एंड्स बेटा, किसके, आर्मेचर के, क्वाइल के, यस, देख रहे हो, एक इधर का एंड और एक इधर का एंड आकर दो रिंग से जुड़ा होता है R1 एंड R2। तो क्या लिखोगे, R1 R2 रिंग्स हैं, बोथ एंड्स ऑफ आर्मेचर जॉइंड विद दीज रिंग्स, ये इन दोनों रिंग से जुड़े होते हैं। आप लोग बोलते हैं स्लिप क्यों बोला गया, कि इसको स्लिप क्यों बोला गया सर, इसलिए कि जब ये रोटेट करेगा, क्योंकि इसको रोटेट कराना है, इसका मेन जो है ना वो अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करता है, कैसे, इसको लोग ऐसे भी बोलते हैं कि ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, अभी बताऊंगा, दो मिनट रुको, अब वर्किंग जब आऊंगा तो उसमें आऊंगा बताऊंगा। इसको रोटेट कराना होता है, इसे रोटेट कराना होता है बेटा, जब रोटेट कराओगे और नीचे अगर रिंग से जुड़ा हुआ है और नीचे रिंग स्लिप करता है, रोटेट करता है, नीचे रिंग स्लिप करने लगता है, क्यों, ताकि इसमें ट्विस्ट ना आए, ऐंठन ना आए, नीचे से वायर टूट ना जाए। अगर रिंग स्लिप नहीं करेगा तो नीचे जो वायर जो यहाँ पर बंधे हुए हैं ना, यहाँ पे वायर बंधे हुए हैं ना, यहाँ पे वायर तो बंधे हुए हैं, अगर ये स्लिप नहीं करेगा तो इसमें ट्विस्ट आना, एक चक्कर में ट्विस्ट ट्विस्ट ट्विस्ट, दो चार चक्कर में पट पे वायर टूट जाएगी, पानी खत्म। तो ये स्लिप रिंग होता है जो रोटेशन के हिसाब से स्लिप करता है, जिससे नीचे वाले वायर में ट्विस्ट नहीं आ पाता, ऐंठन नहीं आ पाता, इसीलिए कहते हैं स्लिप रिंग। हो गए चार, तीन पार्ट कंप्लीट बेटा। अब इसका चौथा पार्ट जो मैं बता रहा हूं वो है कार्बन ब्रश, कार्बन ब्रश। अब आप ध्यान से देखो, दो कार्बन के ब्रश होते हैं B1 एंड B2, ये क्या करते हैं कार्बन के ब्रश, रसनो रिंग क्या करता है, आर्मेचर और ब्रश के बीच ज्वाइंट है। और ब्रश का काम है बेटा, होता क्या है कि हर सर्किट में एक आउटपुट लेने के लिए एक रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है, जिसे कहते हैं लोड रेजिस्टेंस, क्या कहते हैं बेटा, लोड रेजिस्टेंस। तो होता क्या है, ये जो ब्रश है ये बेसिकली कड़ी है, एक लिंक है, किसके बीच, रिंग और लोड रेजिस्टेंस के बीच। तो कार्बन का क्यों, कार्बन का ही क्यों, क्योंकि कार्बन सेमी कंडक्टर है, और सेमी कंडक्टर मटेरियल में होता है कि अगर मान लो हीट वीट बना, थोड़ा गर्मी हो गई, गर्म हो गया, तो रेजिस्टेंस और कम हो जाएगा, जो करंट यहां से बन के आएगा उसके फ्लो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए कार्बन का ब्रश लेते हैं, क्योंकि कार्बन का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने से डाउन होता है। तो मान लो हीट बनेगा, जब जब आप बोलोगे, एक बात बताओगे बेटा,
जब आप बोलोगे कि जब ये सर कोई भी चीज जब वर्क फंक्शन में आती है तो हीट तो बनता ही है, गर्मी तो पैदा होती है, मशीन तो गर्म होगा, तो गर्म होने से अगर कार्बन का ब्रश नहीं लोगे किसी और मेटल का ब्रश ले लोगे तो होता क्या है, मेटल में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा जो करंट वरेंट बन रहा है इधर उसका फ्लो प्रॉपर यहां तक नहीं आ पाएगा। हम कार्बन का ब्रश क्यों लेते हैं, इसलिए कि ये सेमी कंडक्टर मटेरियल है और सेमी कंडक्टर में उल्टा होता है, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस डाउन होता है, फ्लो प्रॉपर चलते रहता है। ऐसा नहीं कि ब्रश का रेजिस्टेंस बढ़ गया तो फ्लो रुक गया। ब्रश का मेन रोल है ये इनर पार्ट और आउटर पार्ट, इनपुट और आउटपुट के बीच की कड़ी का काम करता है, एक लिंक है ये ब्रश क्या है, एक लिंक है, कार्बन का ब्रश जो लिंक है इसके बीच लिंक है, ये लिंक बिटवीन इनपुट पार्ट ऑफ सर्किट, इनपुट पार्ट किसको कहते हैं, इधर का पार्ट इनपुट, और जो लोड रेजिस्टेंस लगाया जाता है आउटपुट लेने के लिए, आउटपुट वोल्टेज लेने के लिए, आउटपुट पावर लेने के लिए, तो इधर का पार्ट आउटपुट पार्ट, इधर का पार्ट इनपुट पार्ट, इनके बीच का ये लिंक है, कड़ी है ये। तो क्या है, B1 एंड B2 लिंक बिटवीन इनपुट पार्ट एंड आउटपुट पार्ट। यस, आउटपुट पार्ट का मतलब जिसमें लोड रेजिस्टेंस लगा है आउटपुट लेने के लिए, रेजिस्टेंस, या बोलो रेजिस्टेंस ही क्यों लगा है, क्योंकि आपने पढ़ा था कि अल्टरनेटिंग करंट का पावर जो है, अगर आउटपुट क्या लेते हैं, पावर लेते हैं, और एसी पावर सिर्फ हमें रेजिस्टेंस देता है, ना क्वाइल दे सकता है, ना कैपेसिटर देता है, ताकि देखना कि कैपेसिटर के थ्रू और क्वाइल के थ्रू कोई भी पावर आउटपुट हमें नहीं मिलता है, इसलिए आउटपुट लेने के लिए हम रेजिस्टेंस ही लगा। तो चार मेन पार्ट हो गए बेटा, पहला आर्मेचर, दूसरा फील्ड मैग्नेट, आर्मेचर ये क्वाइल था आपका, दूसरा फील्ड मैग्नेट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बना रहे थे, तीसरा स्लिप रिंग, स्लिप रिंग यह होता है कि इस क्वाइल के दोनों एंड दो रिंग से कनेक्टेड होते हैं, जब ये रोटेट करता है तो नीचे वाले रिंग स्लिप करते हैं, स्लिप करने से ट्विस्ट नहीं आता है, वायर टूटती नहीं है। चौथा कार्बन का ब्रश, ये इनर पार्ट और आउटर पार्ट जो लोड रेजिस्टेंस से आउटपुट लेने वाला, इसके बीच लिंक होता है। ये था आपका एसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन। तो अब कंस्ट्रक्शन जब आपने पढ़ लिया है तो अब मैं इसको हटा दूंगा, मैं आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो जल्दी से। अब मैं क्या करूंगा बेटा, अब मैं इसमें क्या करने वाला हूं पता है आपको, अब मैं इसकी वर्किंग पढ़ाने वाला, बहुत अच्छे बच्चे हो, आपके लिए मैं अब वर्किंग बताऊंगा एसी जनरेटर की वर्किंग। सर एसी जनरेटर की वर्किंग बता दो आप, तो मैंने कहा लो भाई वर्किंग भी बता देते हैं। वर्किंग इज वेरी सिंपल, वर्किंग कैसे सिंपल है ध्यान से देखना, एक बात का जवाब चाहिए बेटा, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ईएमआई पे। आपको पता है फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बोलोगे सर बी ए कॉस थीटा, लेकिन अगर टर्न्स भी हैं वहां पर क्वाइल के पास तो एन बी ए कॉस थीटा। मैंने कहा ठीक है बिल्कुल सही है, टर्न्स तो हैं, क्वाइल है तो टर्न्स ही हैं। फिर बोलोगे सर इसमें एन तो नंबर ऑफ टर्न्स है, बी वहां पर की मैग्नेटिक फील्ड है, ए क्वाइल का एरिया है, थीटा क्या है सर आपने पढ़ाया था फ्लक्स में, ये हमने पढ़ाया था कहां आपको, पिछले चैप्टर में पढ़ाया था ईएमआई में। थीटा क्या है बेटा, एंगल होता है, इसके बीच एंगल होता है बेटा, आपको पता है जो डायरेक्शन हो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की, ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ फील्ड लाइन जा रही है, एंड नॉर्मल टू प्लेन ऑफ क्वाइल, टू प्लेन ऑफ क्वाइल, नॉर्मल का मतलब क्या हुआ, ये जो क्वाइल यहां पर है ना उसके नॉर्मल के साथ, जैसे क्वाइल है ना इसके नॉर्मल के साथ, इसके साथ एंगल है फील्ड लाइंस और नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ क्वाइल, इसके बीच एंगल, ओके, प्लेन के साथ नहीं है। आप ईएमआई चैप्टर जाके देखना, ईएमआई की पिछले चैप्टर की पहली वीडियो देखना, डिटेल में पढ़ाया है मैंने इसको, चैप्टर 6 की प्लेलिस्ट है चैनल पे, देखना जाकर। इसमें थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन फील्ड लाइंस, फील्ड डायरेक्शन, फील्ड वैल्यू, एंड क्वाइल के प्लेन के साथ नहीं बल्कि क्वाइल के प्लेन के नॉर्मल के साथ, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ, उसके साथ होता है। अब ध्यान से देखते रहना, ठीक है। अब यहां पर क्या है, ये करता क्या है बेटा, ये करता क्या है, ये मशीन जनरेटर, लोग कहते हैं इट कन्वर्ट, देखो कैसे करता है, कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, करता क्या है,
ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब मैकेनिकल एनर्जी का मतलब मूवमेंट से रिलेटेड और इलेक्ट्रिकल का मतलब करंट से रिलेटेड। तो करता क्या है इसको, यहां होता क्या कि क्वाइल को घुमाया जाता है, हो गया मैकेनिकल एनर्जी, घूम रहा है मोशन मैकेनिकल एनर्जी। अब घूमने से करंट कैसे बनेगा वो देखो आप। अब ये घूमा तो जब क्वाइल घूमेगा तो यहां पर फ्लक्स चेंज होगा। बोलोगे फ्लक्स क्यों चेंज होगा, रीजन इसलिए कि क्वाइल घूमने से फील्ड तो वही है, इसमें तो कोई फर्क पड़ा नहीं है, तो वही की वही है, फील्ड तो वही है बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स भी वही है, कोई फर्क नहीं पड़ा, एरिया भी वही है, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन थीटा चेंज होगा। क्यों? क्योंकि जब क्वाइल घूमेगा थीटा किसके बीच एंगल, देखो नॉर्मल टू प्लेन ऑफ क्वाइल, तो जब ये क्वाइल घूमेगा तो जो इसका नॉर्मल है वो भी तो घूमेगा, उसका जो एंगल बनता है किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, प्लेन का मैग्नेटिक फील्ड के साथ, वो चेंज होगा, थीटा चेंज होगा, थीटा से फ्लक्स चेंज होगा। अब फ्लक्स से आपको पता है ईएमआई होगा, इंडक्शन होगा, अपने आप करंट आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या रीजन था, क्वाइल के रोटेशन से एक्सल क्या करता है, इसको पकड़ के घुमाया जाता है, ओमेगा का मतलब घूमने वाली वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा कहते हैं ना फिजिक्स में, कोई चीज घूमती है तो उसकी वेलोसिटी को ओमेगा कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। अब हुआ क्या, इसको घुमाया, घुमाने का मतलब मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनने वाला है, देखो दो मिनट रुको। अब घुमाने से क्या होता है बेटा, फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स क्यों, क्योंकि जो एंगल है, जब ये क्वाइल घूमेगा तो जो नॉर्मल के साथ एंगल है और फील्ड इंटेंसिटी के साथ वही तो होता है थीटा, वो बदलेगा। अभी मान लो ऐसे है क्वाइल, नॉर्मल यूं है, अब जब ये घूमने लगा तो नॉर्मल भी तो घूमेगा, तो फील्ड लाइन जिधर जा रही है इंटेंसिटी के साथ इसका एंगल चेंज होता जाएगा, थीटा बदला, फ्लक्स बदला, फ्लक्स बदला, इंडक्शन हो गया। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब मान लो इसका डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं, तो ये ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और मान लो लेट, ध्यान से देखना अब कैसे डेरिवेशन आएगा, देखना, लेट इन टाइम टी, मान लो टी टाइम में क्वाइल रोटेट थ्रू, मान लो कि टी टाइम में क्वाइल थीटा एंगल घूम गया, कुछ एंगल घूम गया, तो आपको पता है कैसे घुमा, वो कैसे घुमा, विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमा। ओके, तो क्या फॉर्मूला होता है ओमेगा का, वेलोसिटी का बेटा जानते हो आप, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ओमेगा को लिख सकते हैं थीटा बाय टी, वेलोसिटी तो वेलोसिटी है, फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और रोटेशन में एंगुलर मोशन में थीटा ही होता है डिस्प्लेसमेंट, हो गया। यहां से थीटा क्या लिख सकते हो, ओमेगा इंटू टी। ओके, थीटा को ओमेगा टी लिख दो। अब आ जाओ फ्लक्स में, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, एन बी ए कॉस थीटा, थीटा फॉर व्हाट, ओमेगा टी लिख दो, थीटा को ओमेगा टी लिख, कंप्लीट। अब बोलोगे सर अब क्या है, तो मैं बोलूंगा दो मिनट रुको, अब हमें निकालना है फ्लक्स के चेंज होने से जो इंड्यूस ईएमएफ आता है, तो चैप्टर सब सिक्स का है, बेसिकली सिक्स चैप्टर पे ईएमआई तो सिक्स में है। किसने बताया था, याद है फैराडे ने एक बात बताई थी ना, बाई फैराडे, फैराडे या लेंस जो भी बोलो, क्या बताया था उन्होंने, बाई फैराडे क्या बताया था बेटा, कि फ्लक्स चेंज होने से जो इंड्यूस ईएमएफ आता है वो कैसे निकालते हैं, माइनस ऑफ, याद है डी फाई बाई डी टी, यही फॉर्मूला था ना, माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, यही तो फॉर्मूला था बेटा, याद कीजिए, हो गया। अब हमने क्या किया बेटा, जल्दी से बताइए, अब हमने E को लिख दिया माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी, क्योंकि फ्लक्स चेंज होगा, क्यों होगा शुरू से बता रहा हूं, तो ईएमएफ जो डेवलप होता है जिसे इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं, यही तो है ई इंड्यूस ईएमएफ, इंडक्शन से, फ्लक्स चेंज होने से जो होता है वो इंडक्शन होता है। तो माइनस डी फाइव बाई डी टी माइनस फाइव, फाइव के जगह पे क्या लिख दोगे आप, फिर एन बी ए कॉस ओमेगा टी, एन बी ए कॉस ओमेगा टी, और ये हो गया क्या डी टी, क्लियर, देखते जाओ, हो गया। ये आ रहा है ई, ये ई है क्या, ये ई जो आप बोल रहे हो ये ई क्या है, यही तो है इंड्यूस ईएमएफ, ये कौन सा ईएमएफ निकल रहा है, इंड्यूस ईएमएफ, क्योंकि ये फ्लक्स के चेंज से आ रहा है। अब आगे का काम करते हैं, आगे की कार्रवाई निपटाते हैं। अब डिफरेंशिएशन है बेटा, माइनस एन बाहर, फील्ड बाहर, एरिया बाहर, किसका डिफरेंशिएशन हो गया बच्चे, कॉस ओमेगा टी का हो गया, इसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है, ध्यान से देखना, ई इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, माइनस एन बी ए, कॉस का डिफरेंशिएशन आना चाहिए, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो माइनस, और मैंने क्या कहा था डिफरेंशिएशन में टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, अगर एंगल में टी के अलावा और कोई कॉन्स्टेंट है तो उसको भी बाहर करना पड़ता है दोबारा,
तो क्या हो गया माइनस ओमेगा, और कॉस का क्या हो गया साइन ओमेगा टी। ये तो डिफरेंशिएशन आपको पता ही होगा, कॉस का होता है, कॉस का क्या हो जाता है डिफरेंशिएशन बेटा बताइए साइन, तो कॉस का माइनस साइन, कॉस का माइनस साइन, और एंगल में अगर कोई कॉन्स्टेंट चिपका हुआ है तो वो भी बाहर आ जाता है, पता ही रूल ये आपको। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इज इक्वल टू आ गया बेटा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये तो आ गया इंड्यूस ईएमएफ, ओके ये आ गया वो इंड्यूस ईएमएफ जो कॉइल के घूमने से फ्लक्स के चेंज होने से डेवलप हुआ। अब मुझे बताओ अगर मैं बोलूं कि अगर साइन ओमेगा टी जो आया है अगर वो मैक्सिमम हो जाए, मैक्सिमम यानी वन हो जाए, ये मैक्सिमम, तो ई भी मैक्सिमम हो जाएगा। ई मैक्सिमम को क्या लिख दोगे आप बोलो बेटा एन बी ए ओमेगा, ई मैक्सिमम को मैं ई नॉट भी लिख देता हूं, ई नॉट चलेगा, ई नॉट का मतलब हो गया एन बी ए ओमेगा। बोलोगे ये क्या हुआ सर, अभी बताता हूँ क्या हुआ। अब देखो ध्यान, अब आप ध्यान से देखो, ओके अब आप इस बात को ध्यान से देखो कि जो ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हुआ फ्लक्स के चेंज होने से, पहले कितना घुमा वो थीटा घुमा मान लो थीटा, ने तो ओमेगा को थीटा बाय टी लिख दिया, फ्लक्स का फॉर्मूला एन बी ए कॉस थीटा है, थीटा गया पे ओमेगा टी। अब फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ कितना डेवलप होगा, ईएमआई में तो इंड्यूस ईएमएफ आता है, इंडक्शन से आता है, वो किसने बताया था फैराडे ने, माइनस डी फाई बाई डी टी, फाई को रखो निकालो 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 यहां तक आ गया, ये आगे वाला तो मैक्सिमम बन गया, तो मैक्सिमम को ई मैक्सिमम या ई नॉट लिख देंगे, तो क्या आ गया बेटा ई नॉट बराबर कितना आ गया, ई नॉट कितना आ गया बेटा बताइए जरा, ई नॉट आ गया कितना एन बी ए ओमेगा। जब ये आ गया तो अब ई को क्या लिख सकते हो, ई इज इक्वल टू ई नॉट, ये पूरा ई नॉट है ना साइन ओमेगा टी, ये आ गया, ये तो आ गया इंड्यूस ईएमएफ। लेकिन इसका अल्टरनेटिंग से क्या मतलब है, हमने तो एसी चाहिए था अल्टरनेटिंग करेंगे तो इसलिए आप ईएमआई पढ़ाने लगे, ये तो आप पिछले चैप्टर में चले गए, नहीं गया हूं पिछले चैप्टर में, ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बोलो कि ये जो इंड्यूस ईएमएफ आया है तो इंड्यूस ईएमएफ, लेकिन किसमें आया, किसमें आया, साइन में आया, साइन में आया, और साइन और कॉस में कोई भी चीज आ जाए तो वो नेचर वाइज अल्टरनेटिंग होती है, क्योंकि तो इसका ग्राफ कैसा होगा अल्टरनेटिंग ही तो बनेगा। तो बोलोगे सर है तो इंड्यूस ईएमएफ नो डाउट, लेकिन ये इक्वेशन साइन में आया, कॉस में आ जाए, साइन में आ जाए, तो साइन और कॉस में कोई भी चीज फोर्स वोल्टेज करंट हम तुम कुछ भी हो तो हमारा नेचर कैसा हो जाता है अल्टरनेटिंग, क्योंकि साइन का ग्राफ अल्टरनेटिंग वाला होता है। तो बोलोगे सर नो डाउट है तो इंड्यूस ईएमएफ, लेकिन साइन में आया इसका मतलब ये हो गया कि इसका नेचर अल्टरनेटिंग है, यानी कह सकते हो सर कि है तो इंड्यूस ईएमएफ, एकदम आप सही बोल रहे हो है तो इंड्यूस ईएमएफ सर, लेकिन ये चूंकि साइन में आया है इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, कौन सा ईएमएफ कहेंगे सर, अल्टरनेटिंग ईएमएफ कहेंगे। अगर टैन में आ जाता, कॉट में आ जाता, लॉग में आ जाता, अल्जेब्रिक फंक्शन में आ जाता, तब तो उसको सिर्फ इंड्यूस ईएमएफ ही कहते, फिर उसको हम इंड्यूस ईएमएफ को अल्टरनेटिंग ईएमएफ नहीं बोलते, हर वो चीज जो साइन और कॉस में आए उसी को अल्टरनेटिंग कहते हैं। यानी सर है तो पूरा ईएमआई, हुआ तो फ्लक्स चेंज, इंडक्शन, इंड्यूस ईएमएफ, लेकिन साइन में आना साबित कर रहा है कि वो अल्टरनेटिंग है सर। यस, तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ आ गया तो अल्टरनेटिंग करंट निकाल दो, कि बड़ा सिंपल है, जो भी अल्टरनेटिंग ईएमएफ आया है उसको आर से डिवाइड कर दो, जो भी आया ना बेटा, जो भी आया है उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, कॉइल का रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, कॉपर का है तो, वायर तो कॉपर का है तो रेजिस्टेंस होगा ही, अल्टरनेटिंग ईएमएफ आ गया उसको डिवाइड कर दो, तो ये तुम्हारा आ गया क्या आ गया, ये तुम्हारा आ गया क्या आ गया बेटा, ये आ गया तुम्हारा अल्टरनेटिंग करंट आ गया, फिनिश, बन गया एसी, यही तो चाहिए था, अल्टरनेटिंग करंट आ गया है तो ईएमआई, लेकिन इंडक्शन से जो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हुआ बस साइन में आ गया इसलिए अल्टरनेटिंग ईएमएफ का नाम, और तो कुछ है ही नहीं अल्टरनेटिंग ईएमएफ। मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम बोला जाए, मैक्सिमम कितना है तो एन बी ओमेगा मैक्सिमम, और ये वैल्यू अल्टरनेटिंग है तो बताइए इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालने का टाइम के हिसाब से टाइम के अकॉर्डिंग वैल्यू बता सकते हो। तो अब जब आपने ये देख लिया है, ये सारा डायग्राम एक बार फिर से देख लो, सब मैंने बता दिया फ्लक्स पे चेंज पे ए टू जेड मैंने बता दिया, अगर आपको नहीं आया तो वह वीडियो रिवर्स करके देख लेना। अब मुझे एक बात का जवाब चाहिए, बोलोगे क्या जवाब चाहिए सर, से तो आप जवाब ही जवाब मांगते रहते हो दिन भर, है कि नहीं। अब मैं एक काम करने जा रहा हूं, सुनो क्या हमने क्या किया था, ये था ना E को लिख सकते हैं वापस E नॉट साइन ओमेगा टी था, ओमेगा टी को फिर थीटा लिख दो, बोलोगे ऐसा क्यों, अभी आपने क्या किया था यार, दो मिनट वापस आना पड़ेगा, फिर
अभी मैंने क्या किया था, ओमेगा को क्या लिखा था, थीटा बाय टी, थीटा क्या हो गया था, देखो ओमेगा इंटू टी, मैंने यहाँ क्या किया था, थीटा को ओमेगा इंटू टी में बदल दिया था, मैं वापस फिर ओमेगा टी को थीटा लिख दूंगा, वो एंगल के फॉर्म में वापस लिख देता हूं मैं, देखो अब मैंने क्या किया, ई इज इक्वल टू क्या लिख दिया, ई नॉट साइन थीटा लिख दिया, ऐसा क्यों किया जरा सुनो आप ध्यान से, अब अगर थीटा को मैं जीरो ले लूं तो साइन जीरो जीरो ई भी जीरो हो गया, अब अगर मैं थीटा को 90 डिग्री ले लूं तो साइन 91 ई इज इक्वल टू कितना हो गया, ई नॉट हो गया, अब अगर मैं थीटा को 180 डिग्री ले लूं तो साइन 180 आपको पता है कितना होता है, माइनस वन, आपको पता हूं साइन 80 होता है, सॉरी साइन 80 होता है जीरो डिग्री, तो ये भी क्या आ गया आंसर बेटा, जीरो डिग्री आ गया, जीरो आ गया, आपको मैं बता दूं साइन जीरो जीरो, साइन 180 जीरो, साइन जीरो पाई, टू पाई, थ्री पाई, सब जीरो होता है, साइन जीरो पाई कितना हो गया जीरो, ई नॉट जीरो, अब अगर मैं थीटा को 270 ले लूं, 270 डिग्री ले लूं, तो आपको मैं बता दूं साइन 270 डिग्री होता है माइनस वन, क्या होता है माइनस वन, तो माइनस रखोगे तो ई इसका टू कितना आ गया, माइनस ई नॉट, फिर मैं अगर थीटा को 360 ले लूं यानी 2 पाई ले लूं तो ई की वैल्यू फिर क्या हो जाती है जीरो, साइन में याद रखना पाई, टू पाई, थ्री पाई, फोर पाई, जीरो, क्लियर, जीरो पे जीरो, 90 पे वन, तो ई ई नॉट, 180 पे जीरो ई जीरो, 270 पे साइन 270 माइनस वन तो ई माइनस ई नॉट, साइन 360 जीरो तो ई जीरो, इससे क्या पता चला जरा सुनो, इससे ये पता चला कि अगर हम जो ईएमएफ डेवलप हुआ है, अगर इस ईएमएफ का ग्राफ हम एंगल के साथ बताएं, देखो देखो एक साइकिल देखो कैसे बन रहा है, देखो खुद से देखना, जीरो 90 डिग्री, 180 डिग्री, भी बताता हूँ 270 डिग्री और ये 360 डिग्री, थीटा के साथ ग्राफ बना, ध्यान से देखना बेटा, ये हो गया आपका माइनस, ये हो गया आपका ई नॉट, ये हो गया आपका माइनस ई नॉट, आप ध्यान से देखो, अच्छे से देखो, जीरो डिग्री पे ई जीरो, 90 पे ई ई नॉट, 180 पे ई जीरो, 270 पे ई देखो माइनस ई नॉट, 360 पे फिर ई जीरो, इससे क्या था चला कि सर ये क्वाइल, क्वाइल का जब रोटेशन हो कहे ना, ये थीटा के एंगल ऑफ रोटेशन, सर जब जीरो से 360 डिग्री, जब क्वाइल सर पूरा घूम के ऐसे आ गया, पूरा 360 डिग्री चक्कर काटेगा, तभी एक साइकिल तैयार होगा, इसीलिए मैंने ये ग्राफ बनाया कि सर सुनो, इसका मतलब ये हुआ कि इफ क्वाइल कंप्लीट वन रोटेशन, वन फुल रोटेशन, देन वन साइकिल, तभी वन साइकिल कंप्लीट होता है किसका, अल्टरनेटिंग करंट का या अल्टरनेटिंग वोल्टेज का, जो बोलना है, ऑफ एसी कंप्लीट। यस, देखो एंगल के हिसाब से चेंज कराया, जीरो पे जीरो, 90 पे ई नॉट, 180 पे जीरो, 270 पे माइनस ई नॉट, 360 पे जीरो, सारा डाटा मिल गया, इससे ये पता चला कि सर क्वाइल जब पूरा घूम के पूरा ऐसे 360 डिग्री घूम जाएगा ना, तब उधर अल्टरनेटिंग करंट का एक साइकिल तैयार होगा, एक बार आउटपुट मिल सकता है आफ्टर वन साइकिल। ठीक है, अब बेटा इसमें एक ही क्वेश्चन आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, वो मैं आपको बता दूं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, क्या आएगा जरा सुनो ध्यान से, ये आएगा कि एक क्वाइल है एसी जनरेटर का, उसकी फ्रीक्वेंसी दे देगा कि वो इतनी फ्रीक्वेंसी से घूम रहा है, रिवोल्यूशन पर मिनट, फ्रीक्वेंसी दे देगा, ध्यान रखना ओमेगा नहीं देगा, फ्रीक्वेंसी, और वो पर मिनट में देगा तो उसको पहले पर सेकंड में बदल दोगे, 60 डिवाइड कर दोगे रिवोल्यूशन पर सेकंड, कितना आ गया बेटा 2 RP रिवोल्यूशन, कैसे पर मिनट है ना, मिनट से सेकंड के लिए मल्टीप्लाई किया है, मिनट से सेकंड के लिए मल्टीप्लाई होता मल्टीप्लाई ही किया है, पर मिनट था, मिनट नीचे था तो 60 नीचे मल्टीप्लाई हुआ, पर मिनट, मिनट नीचे है तो सेकंड भी नीचे आया, अब यहां से ओमेगा निकाल देना है 2 पाई एफ, क्वाइल का एरिया दे देगा 10 द पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर कुछ दे देगा, लिख लेना, मैग्नेटिक फील्ड दे देगा वहां पर 5 टेस्ला, ओके सब दे दिया, पूछेगा कि इस एसी जनरेटर किसके लिए, एसी जनरेटर का डाटा है, क्वाइल है वहां पे, फील्ड है, बोलेगा कि बताओ कितना मैक्सिमम इंड्यूस, कितना सॉरी कितना वो अल्टरनेटिंग जनरेटर एसी जनरेटर ने कितना मैक्सिमम वोल्टेज बनाया,
तो बोलोगे सर मैक्सिमम का तो फॉर्मूला आपने दिया था सर एन बी ए ओमेगा, बस टर्न्स भी दे देगा, टर्न्स कॉइल में कितने हैं 500 टर्न्स हैं, बस रखो निकाल दो मैक्सिमम, ये जनरेटर इतना मैक्सिमम बनाएगा, याद है मैक्सिमम का फॉर्मूला एन बी ओमेगा जस्ट। फिर रेजिस्टेंस दे देगा, मान लो रेजिस्टेंस दे दिया उसने 10 ओम का कॉइल है रेजिस्टेंस है, तो बोलेगा मैक्सिमम करंट कितना बनाएगा वो भी बताओ। बोलोगे सर ये कौन सी बड़ी बात है सर, जो भी मैक्सिमम ईएमएफ आया है उसको आर से डिवाइड कर दो तो वो एसी जनरेटर इतना मैक्सिमम करंट बने, सब चीज याद हो, बस मैक्सिमम ही पूछेगा, नॉर्मल इंस्टेंटेनियस वैल्यू नहीं पूछेगा जो हर पल बदल रहा है, और एसी की वैल्यू तो बदलती है ना हर टाइम, आपसे मैक्सिमम ही पूछेगा न्यूमेरिकल। तो बेटा ये जो हमने आज आपको पढ़ाया दैट वाज कंप्लीट योर एसी जनरेटर, अच्छे से बता दिए, क्वेश्चन भी करा दिए, वीडियो को देखना अगर एक बार नहीं आए तो रिपीट करके दोबारा देखना, अच्छे समझ में आ जाए, नहीं अगर कुछ ना आए तो मुझे कमेंट करके बताना और लाइक जरूर करना और प्लीज आगे भी शेयर कर देना, पेपर में बहुत कम टाइम बचा है, सभी बच्चों के पास पहुंच जाएगी, सभी को फायदा होगा। बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।